गाइस, सिर्फ मेरा ये टिप फॉलो कर लीजिए, आपकी 5 मिनट में काली वजाइना बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आपकी वजाइना भी बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी है और उसको आप लाइटन करना चाहते हैं, या आपके वजाइना में स्मेल, इरिटेशन, खुजली की समस्या है, आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम गर्ल्स का वजाइना पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, इतनी हमारी कोई भी स्किन सेंसिटिव नहीं होती पूरी बॉडी में जितना हमारा वजाइना स्किन होता है, तो ऐसे में उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो उस एरिया में हमें ईचिंग, स्वेलिंग, इरिटेशन और स्मेल प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अपने उस एरिया को क्लीन करना। क्लीन करने में वहाँ के हेयर्स को कैसे रिमूव करें ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, और हेयर्स रिमूव करना उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके उस एरिया में हेयर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे आप जब भी यूरिन पास करते हैं तो वो यूरिन आपके उस हेयर्स में फंसने लगता है, बैक्टीरिया फंसने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन काली पड़ने लगती है और वहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो सबसे पहले अपने उन बड़े हेयर्स को किसी भी सीजर से ट्रिम करें, उसके बाद वैक्स से रिमूव करें। अगर आप वैक्स यूज नहीं करते तो आप किसी रेजर से उसको बहुत ही केयरफुली शेव करें ताकि आपको कोई कट ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपको कभी भी मार्केट में मिलने वाली कोई भी क्रीम अपने वजाइना में यूज नहीं करनी जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं नोटिस करा है, जैसे वीट हो गया, एनफ्रेंच हो गया, वो बॉडी क्रीम को अपने प्राइवेट पार्ट में यूज़ कर लेते हैं। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता कि आप प्राइवेट पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे क्रीम यूज़ करने के बाद आपकी स्किन काली पड़ने लगती है। तो ऐसे में अगर आप नोटिस करेंगे कि आपने उस क्रीम को अभी तक यूज़ कर रहे थे तो आज से ही उसको स्टॉप कर दें, और स्टॉप करने के बाद रेज़र या वैक्स का इस्तेमाल करें। वैक्स से क्या होगा, आपकी वहाँ की टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी, आपकी जो स्किन पर डेड लेयर जम गई थी वो क्रीम यूज़ करने से वो भी हट जाएगी, और साथ में आपके वहाँ पे जो स्मेल प्रॉब्लम था, इरिटेशन था, इचिनेस था, वो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रीम स्टॉप करना है, और अगर आप कोई भी टैल्क या परफ्यूम यूज़ करते हैं तो भूले से भी ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें हार्श केमिकल होते हैं जो हमारी स्किन को डार्क कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको पाउडर यूज़ ही करना है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है या आपका काम ऐसा है पूरा दिन का जो आपके वहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में खड़े रहना पड़ता है आपको, तो आप बेबी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल फ्री होता है जो आपकी स्किन को डार्क नहीं करेगा और पसीने से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अब बारी आती है टिप नंबर 2 की, कि हमारी स्किन डार्क होती क्यों है। क्योंकि हमारी स्किन वहाँ की हमेशा पैंटी में कवर रहती है, वो सांस नहीं ले पाती, ब्रीथ नहीं ले पाती। आपने नोटिस करा होगा जब आप ब्रा पहनते हैं तो आपका वो एरिया भी डार्क होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपका पसीना रुकता है, बहता है, पसीना आपकी बॉडी से वहाँ रुक जाता है, वहाँ स्टोर होने लगता है, आपकी स्किन सांस नहीं लेती और आपकी स्किन काली पड़ने लगती है। तो ऐसे में क्या करना है, जब भी आपने घर में आना है तो आपने नॉर्मल कपड़ा ऐसे ही वेयर करना है, पैंटी अवॉइड करनी है। तो आप नोटिस करेंगे कि पहले से आपकी वहाँ की स्किन बहुत लाइटन हो गई है और वहाँ का कलर अपने आप ही आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 3, आपको हमेशा अंडरगारमेंट चूज करने के टाइम कॉटन पैंटी को चूज करना है, क्योंकि जो टेरिकॉट या दूसरे कपड़े की पैंटीज होती हैं वो हमारा पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे खुजली, इरिटेशन और साथ में स्मेल की प्रॉब्लम आने लगती है। तो फैंसी पैंटीज 1-2 घंटे के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन के लिए हमेशा आप कॉटन पैंटी का ही चूज करें, और हमेशा हो सके तो अच्छे ब्रांड की पैंटीज लें, क्योंकि कई बार कोई कपड़ा ऐसा होता है जो हमारी स्किन को डार्क कर देता है और इरिटेट कर देता है। तो हमेशा अंडरगारमेंट्स एक ब्रांड और अच्छे महंगे ही यूज करें, मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो देखिए, ये टिप तो थी कि फ्यूचर में आपका वजाइना डार्क होगा नहीं, लेकिन अब जो आपका वजाइना डार्क हो गया है उसको भी तो हमें साफ करना है, क्लीन करना है, जिसके लिए मैं आपसे 2 टिप्स शेयर करूंगी। अब बारी आती है रेमेडी की। रेमेडी बनाने के लिए पहले आपको एक खाली बाउल लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच हनी। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपने अपने वजाइना एरिया को अच्छे से स्क्रब करना है। एक तरह से इसे मालिश करते हैं ना, स्क्रब करते हैं, तो आप उसको अच्छे से स्क्रब करिए। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है। 10 मिनट के लिए उसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मल पानी से ही वॉश किया करें। अपनी आउटर लेयर जो होती है, आपका जो वजाइना बिल्कुल डीपली पार्ट है, उसको कभी भी साबुन से वॉश ना करें, नहीं तो आपको जलन होगी। लेकिन जो ऊपर का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उस एरिया को आप अपने फेस पे यानी फेस वॉश यूज़ करते हैं, उस साबुन से आप उस एरिया को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जो फेस वॉश होता है वो बहुत माइल्ड होता है, तो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, काला नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल आपको शैम्पू या साबुन कभी भी उस एरिया में यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आपकी स्किन को डार्क कर देता है। अब बारी आती है टिप नंबर 2 की, यानी एक और रेमेडी की। इसके लिए आपको लेना है आलू छिलके के साथ, उसको धो लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए।
दो चम्मच जूस ले लीजिए आप आलू का और आधा चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच एलोवेरा। इनको अच्छे से मिक्स करें और उस एरिया पे मालिश करें और कम से कम 10 से 15 मिनट उस रेमेडी को यानी उस पैक को अपने उस एरिया में लगे रहने दें। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। ऐसा आप हफ्ते में दो बार करें। आप नोटिस करेंगे कि एक बार के इस्तेमाल से ही आपका वहाँ का कालापन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इन टिप्स को फॉलो करें। तो ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ नई हेल्थ टिप्स लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।